देखिए क्या है ना कि डायरेक्टर तो कोई भी बन सकता है। फोन निकालो, शूट करो, एडिट करो, यूट्यूब पे डाल दो, बन गए फिल्म मेकर। लेकिन एक अच्छा फिल्म मेकर कैसे बना जाए, एक बेस्ट फिल्म मेकर कैसे बना जाए, आज के ट्यूटोरियल पे इसी के ऊपर बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये फिल्म स्कूल, मैं हूँ आपका होस्ट अक्षत, और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ज्ञान। अच्छा डायरेक्टर कैसे बने, एक अच्छा फिल्म मेकर कैसे बने, तो आज के वीडियो में तीन पॉइंट पे बात करूंगा। सबसे पहला कि ज़्यादा लंबे समय तक असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब मत कीजिए। हाँ, ज़्यादा लंबे समय तक भी असिस्टेंट का काम हानिकारक ही होता है। अब क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। कि मान लीजिए कि एक कैमरामैन है, उसका एक असिस्टेंट है, उसको वो असिस्ट खस करके काम सीखा है, और जब वो असिस्टेंट जब कैमरामैन बनेगा तो वो वही काम करेगा जो उसने गुरु से सीखा है, तो वो अपने गुरु का कार्बन कॉपी हो गया। तो वो जब काम करेगा तो उसका नया कुछ बहुत कम होगा, वो वही काम करेगा जो उसने सीखा है, तो खुद का एक्सप्लोर बहुत कम हो जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर ज़्यादा लंबे समय तक भी मत काम कीजिए, कुछ समय तक काम ही कीजिए, कि 4-5 साल काम कर लिए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए, है ना, कि फिल्म मेकिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से फिल्म कंप्लीट होती है, क्या पूरा टेकिंग होता है, वो चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको टूल्स समझ में आ जाए कि एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर के पास कौन कौन से टूल होते हैं। उनके पास प्रोडक्शन डिजाइनर होता है, उनके पास कैमरामैन होता है, उनके पास एडिटर होता है, उनके पास साउंड होता है, उसके कितने हाथ होते हैं, वो पूरा क्लियर हो जाता है। तो बस उतना समझने के लिए ही कीजिए। देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने KGF फिल्म देखी होगी, 1 और 2 दोनों। इसके जो डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, इन्होंने भी ज़्यादा असिस्टेंट का काम नहीं किया, 1-2 फिल्म में ही असिस्टेंट का काम किया, लेकिन इन्होंने जब फिल्म बनाई तो इनका टेक कुछ फ्रेश था, क्योंकि इन्होंने असिस्टेंट के तौर पे कुछ कॉपी ही नहीं किया। तो इन्होंने जब बनाई फिल्म तो कुछ फ्रेश बना, कुछ नया बना, टेकिंग नया था, टेक ऑफ अप्रोच नया था, तो चीज़ें नई बनी और फ्रेश बनी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि एज एन असिस्टेंट के तौर पे ज़्यादा लंबा काम नहीं करना, कुछ समय तक काम ही करना है, ताकि आपको टूल समझ में आ जाए, चीज़ें समझ में आ जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक अच्छा डायरेक्टर बनने का, वो है स्टोरी। हाँ देखिए क्या है कि मैं ये उदाहरण मैं अक्सर पहले की वीडियो में भी दिया हूँ और अभी भी दे रहा हूँ, कि जब एक अच्छी स्टोरी होती है ना, तो बाद में हमें मालूम पड़ता है कि फिल्म अच्छी बनी या बुरी भी, दोनों हो सकती है। लेकिन जब स्टोरी बुरी होगी ना, तो अच्छी फिल्म बन ही नहीं सकती है, कोई सवाल ही नहीं है। तो अच्छी होनी, मतलब मैं ये कहने कह रहा हूँ कि स्टोरी पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। नींव किसी बिल्डिंग का जैसे नींव कितना मजबूत होना चाहिए, तो किसी भी कहानी का, फिल्म का जो स्टोरी है वो नींव होता है, वो उसका बेस होता है। देखिए मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि आपने अक्सर जब यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन कई बार उसका कैमरा वर्क अच्छा नहीं होता है, लाइटिंग अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगता है। वो क्यों? क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा लगा है, आपको स्टोरी अच्छा लगा है। जब आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो आप ये नहीं देखते हो कि कैमरा वर्क अच्छा नहीं हुआ, वो सब चीज़ें आप भूल जाते हो। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। देखिए मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि अगर आपने अवतार फिल्म देखी थिएटर से निकले, लेकिन अगर स्टोरी अच्छी नहीं रहेगी ना, तो आप ही थिएटर से बाहर निकलोगे, क्या बोलोगे, हाँ विजुअल अच्छा था, महंगा कैमरा था, लेकिन स्टोरी कनेक्ट नहीं हुई। तो ये बताता है कि स्टोरी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी फिल्म के लिए। तो मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि राइटर के साथ बैठिए, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, उनके सराउंडिंग में रखिए, और एक डायरेक्टर बनने से पहले एक अच्छा राइटर बनिए, क्योंकि 100 बात की एक बात की स्टोरी में दम होना चाहिए भैया। और तीसरा पॉइंट है ऑडियो। देखिए अक्सर मैं पहले भी शायद ये बोल चुका हूँ, मैं एग्जांपल दिया है कि हम जैसे खाना खाते हैं ना, तो खाने के लिए हम कितने सेंस का इस्तेमाल करते हैं। खाना खाते हैं तो मुंह से, फिर नाक से सूंघते हैं, और आँखों से देखते हैं। वैसे ही जब हम फिल्म को देखते हैं तो आँख से देखते हैं और कान से सुनते ही भी है ना, तो हमारे 2 सेंस इस्तेमाल होते हैं। आँख से हम विजुअली देखते हैं और कान से हम ऑडियो सुनते हैं। तो जितना मेहनत आप आँखों के विजुअल के लिए कर रहे हैं, उतना ही मेहनत ऑडियो के लिए भी करिए, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म ऑडियंस सुनता भी है। तो जितना मेहनत आप ऑडियो में करेंगे, तो आपकी फिल्म की क्वालिटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते। देखिए मैं आपको देखिए उदाहरण तौर पर बताता हूँ, कई बार आप ऑडियो सुनते हैं या सिर्फ रेडियो सुनते हैं, तो सिर्फ रेडियो में सिर्फ आप ऑडियो सुन सर के पूरी कहानी आप इमेजिन कर लेते हो, पूरा विजुअल समझ में आ जाता है। तो ऑडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फिल्म के लिए। यहाँ तक कि बहुत सारे मैं डायरेक्टर को मैं यही एडवाइस करूँगा कि जब वो फिल्म
बना रहे होते हो तो उसके बनाने से पहले वो अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक का एक बेसिक थीम तैयार कर लें कि ये मेरे फिल्म का सिग्नेचर म्यूजिक रहेगा, तो वो थीम तैयार कर लें। तब आप शूट करेंगे तो आपको लगे कि हाँ इस पॉइंट में मैं वो थीम म्यूज़िक डाल सकता हूँ। अगर किसी का रिएक्शन ले रहे हैं तो वो भी स्क्रिप्ट के दौरान लिखिए कि यहाँ पे मैंने रिएक्शन डालूँगा और यहाँ पे म्यूज़िक आएगा, तो म्यूज़िक का बीट भी प्लान कीजिए राइटिंग के दौरान भी। और जब आप शूट कर रहे हो तो उस टाइम भी ध्यान रखिए कि इस टाइम पे मैं म्यूज़िक डालूंगा और यहाँ पे ट्रैक इन होगा, फिर म्यूज़िक की एंट्री होगी, फिर म्यूज़िक बजेगा, फिर म्यूज़िक बैंग बैंग होगा, फिर म्यूज़िक के बाद अपना एक्टर इंटर करेगा। तो म्यूज़िक के साथ सीन को बनाइए भी, लिखिए भी और शूट भी कीजिए, तब देखिएगा आपके कहानी का लेवल, आपके फिल्म का लेवल एक लेवल अप हो जाएगा। तो मेरे वीडियो का होता है यहाँ पे पूर्ण। मेरा आई एम श्योर आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो भाई कमेंट में कुछ बताओ तो सही, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।